सवाल नंबर एक, किस पक्षी के अंडे हरे रंग के होते हैं? सही जवाब, दोस्तों मादा कैसोवरी पक्षी के अंडे हरे रंग के होते हैं। इन अंडों का आकार 13 सेंटीमीटर तक का होता है। लगभग 50 दिन के बाद अंडों में से बच्चे निकलते हैं। सवाल नंबर दो, किस देश में जेल से भागना गैर कानूनी नहीं है? सही जवाब, दोस्तों जर्मनी में कैदियों को भागने पर सजा नहीं मिलती। जर्मनी में कैदियों के जेल से भागने की कोशिश करने पर उसे अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि उनका मानना है कि आजाद होना मनुष्य का अधिकार है। सवाल नंबर तीन, लाल रंग की बारिश कब और कहां हुई थी? सही जवाब, दोस्तों 5 जुलाई 2001 को केरल में लाल रंग की बारिश हुई थी। इस लाल रंग की बारिश का रहस्य अब तक सामने नहीं आया है। वैज्ञानिकों ने यह रंगीन बारिश की वजह प्रदूषण बताया था। सवाल नंबर चार, चीन की दीवार बनाते समय कितने मजदूरों की जान गई थी? सही जवाब, दोस्तों चीन की दीवार बनाते समय 10 लाख से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई थी और इन मजदूरों को इसी दीवार में दफनाया दिया जाता था। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये 10 लाख मजदूरों की कब्र है। सवाल नंबर पाँच, दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी किसने बनाई थी? सही जवाब, दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी बैटरी जिसे टेस्ला कंपनी ने बनाई है, जो 250 मेगावाट की बिजली पैदा कर सकता है। सवाल नंबर छह, फूटी कौड़ी का मतलब क्या होता है? सही जवाब, दोस्तों प्राचीन समय में सबसे पहले फूटी कौड़ी को ही मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें 3 फूटी कौड़ी 1 कौड़ी के बराबर होती थी। कौड़ी के बाद दमड़ी, थैला, पाई, पैसा, आना और फिर रुपया बना। सवाल नंबर सात, तुर्की के लोग अपने कपड़ों को पेड़ पर क्यों बांधते हैं? सही जवाब, दोस्तों तुर्की और बुल्गारिया के लोग अपने जैकेट्स को पेड़ों पर बांध देते हैं, ताकि गरीब और बेघर लोग जरूरत के हिसाब से इसे यूज कर सके और ठंड से बच सके। सवाल नंबर आठ, भारतीय सिक्के के नीचे अलग अलग डॉट क्यों होते हैं? सही जवाब, दोस्तों भारत में सिक्के बनाने के लिए 4 टकसाल है, जो कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में है। सिक्के के नीचे बने चिन्ह यह दर्शाता है कि कौन सा सिक्का किस टकसाल में बनाया गया है। जैसे डायमंड मार्क का चिन्ह मुंबई, स्टार मार्क का चिन्ह हैदराबाद, सर्कल मार्क का चिन्ह नोएडा और बिना चिन्ह का मार्क कोलकाता को दर्शाता है। सवाल नंबर नौ, भारत में कलर टीवी की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब, दोस्तों भारत में कलर टीवी की शुरुआत 1982 में हुई थी। भारत में अप्रैल 1982 को मद्रास में पहली बार रंगीन प्रसारण हुआ था। सवाल नंबर 10, किस देश के लोग लाल रंग के होते हैं? सही जवाब, दोस्तों इस देश का नाम है नाम्बिया। यहाँ पाए जाने वाली हिम्बा जनजाति की महिलाओं की त्वचा का रंग लाल होता है। दरअसल वे नहाने की जगह खास जड़ी बूटियों को पानी में उबालकर उसके धुएं से अपने शरीर को ताजा रखती है, ताकि उनसे गंध ना आए। हिम्बा जनजाति की ये महिलाएं हाथ धोने तक के लिए भी पानी का इस्तेमाल नहीं करती है। दोस्तों अब तक के सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।